हेलो नमस्कार दोस्तों, टेक चैंपियन किंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों व्हाट्सअप तो आप अपने मोबाइल फोन में यूज करते ही होंगे। दोस्तों क्या आपको पता है व्हाट्सअप के अंदर ऐसे खतरनाक नए नए अपडेट आ चुके हैं। दोस्तों यदि आप इन अपडेट को देख लेते हैं तो दोस्तों आप किसी भी बंदे की पोल खोल सकते हैं और अपनी पोल खोलने से बचा सकते हैं। दोस्तों आपको पहले से ज़्यादा व्हाट्सअप को चलाने में और भी ज़्यादा मजा आने वाला है। दोस्तों ये वीडियो मैं उनके लिए बना रहा हूँ। दोस्तों जो नए यूजर्स होते हैं उनको अभी व्हाट्सएप के बारे में पता नहीं है किस तरीके से दोस्तों हम व्हाट्सएप को यूज करेंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको जो मैं बताऊंगा व्हाट्सएप की A to Z सेटिंग बताऊंगा कि किस सेटिंग का क्या काम है और कैसे आपको अपनी पोल खोलने से बचानी है और सामने वाले बंदे की कैसे पोल खोलनी है। तो इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से समझना दोस्तों। यदि आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो दोस्तों आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इस सेटिंग से ही सब काम कर पाएंगे। तो इस वीडियो को ध्यान से समझ लेना, ठीक है। आपको दोस्तों उससे पहले एक काम करना है। दोस्तों जो चैनल पर नए आए हैं वीडियो के नीचे एक लाल कलर का बटन होगा उसको काला कर देना है, नोटिफिकेशन को ऑल कर देना है, ठीक है। दोस्तों क्या होगा जब भी मैं वीडियो डालूंगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाया करेगा, ठीक है। दोस्तों चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब दोस्तों आपको क्या काम करना है, जो मैं ये फीचर्स के बारे में बताऊंगा आपकी व्हाट्सएप में ये तब आएंगे जब आप अपनी व्हाट्सएप को पहले अपडेट करेंगे। आपको दोस्तों प्ले स्टोर में आना है, यहाँ पर आपको लिखना है व्हाट्सएप, ठीक है, इस तरीके से। अब दोस्तों यहाँ पर आपको जो व्हाट्सएप है, आपको दोस्तों यदि आपकी व्हाट्सएप अपडेट नहीं है, अब दोस्तों सबसे पहले आपको अपनी व्हाट्सएप को यहाँ पर अपडेट करना है, ठीक है, तभी दोस्तों आपकी ये व्हाट्सएप में नए नए फीचर्स देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में व्हाट्सएप की A to Z सेटिंग बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को ध्यान से समझ लेना है, स्किप नहीं करना है। दोस्तों यदि इस वीडियो को देख लेते हैं दोस्तों आपको पूरी लाइफ में कोई और वीडियो को देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बस इसी वीडियो से आपका काम बन जाएगा। आपको दोस्तों ओपन कर लेनी है अपनी व्हाट्सएप को अपडेट करने के बाद इस तरीके से। अब दोस्तों मैं आपको A to Z सेटिंग बताने वाला हूँ, यहीं से शुरू कर लेता हूँ। जैसे 3 डॉट दिख रही है ना, आपको दोस्तों मैं ये भी बताऊंगा कि आप जो अपने मोबाइल फोन में व्हाट्सएप का उपयोग कर रहे हैं कि आपकी व्हाट्सएप हैक कर रखी है किसी बंदे ने, या दोस्तों आपकी व्हाट्सएप अभी किसी ने हैक ही नहीं की है, तो दोस्तों आपको कैसे सिक्योर रहना है कि हम अपनी व्हाट्सएप के जो फोटो वीडियो हैं दूसरे बंदे से कैसे हैक होने से बचाना है, तो ध्यान से समझ लो। अब दोस्तों क्या काम करना है, 3 डॉट दिख रही है दोस्तों, आपको इस पर क्लिक करना है, ठीक है। अब दोस्तों इस पर क्लिक करने के बाद सबसे ऊपर की साइड एक ऑप्शन देखने को मिलेगा न्यू ग्रुप। दोस्तों इसका मतलब है जैसे दोस्तों आप इस यहाँ पर ग्रुप बनाना चाहते हैं और किसी बंदे को दोस्तों आप ऐड करना चाहते हैं, दोस्तों न्यू ग्रुप से आप किसी भी बंदे को ऐड कर सकते हैं, उस ग्रुप में फोटो वीडियो सेंड कर सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन और देखने को मिलेगा न्यू ब्रॉडकास्ट। दोस्तों ये भी ग्रुप की तरह ही है, इसमें भी आप किसी बंदों को ऐड कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर 3 नंबर पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा लिंक डिवाइस। अब दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान से समझना है, लिंक डिवाइस पे आपको क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पर यदि दोस्तों लिंक ए डिवाइस के नीचे आपको दोस्तों यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नज़र आ रहा है दोस्तों किसी भी मोबाइल फ़ोन का, जैसे दोस्तों एंड्रॉयड या लैपटॉप, दोस्तों समझ लेना आपका व्हाट्सएप हैक हो चुका है। दोस्तों जो आपकी मोबाइल फोटो वीडियो है ना दोस्तों वो किसी बंदे ने रिकवर कर लिया, दोस्तों आपको ब्लैकमेल भी कर सकता है। अब दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यदि आप इन सब झंझट से बचना चाहते हैं ना, आपको क्या काम करना है, यहाँ पर जो भी आपको ये एक ऑप्शन देख रहा होगा आपको उस पर क्लिक करना है और दोस्तों यहाँ से उसे हटा देना है। फिर दोस्तों आपके जो भी दोस्तों कोई भी बंदा आपकी व्हाट्सएप की चैटिंग भी देख रहा था ना, तो दोस्तों वो बंदा देख नहीं पाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आपको यहाँ से उसको हटा लेना है, ठीक है। अब दोस्तों आपकी व्हाट्सएप बिल्कुल सिक्योर हो जाएगी। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ व्हाट्सएप की A to Z सेटिंग। आपको दोस्तों 3 डॉट पर आना है, यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा सेटिंग के नाम से, ठीक है। आपको दोस्तों उसी पर क्लिक करना है। दोस्तों व्हाट्सएप के अंदर बहुत बहुत नए नए फीचर आ चुके हैं। दोस्तों पहले क्या होता था, हम एक व्हाट्सएप को एक नंबर में ही चला सकते थे, लेकिन दोस्तों अब नहीं है, एक व्हाट्सएप में अब हम 2 नंबर को चला पाएंगे। दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है, यहाँ पर ऐड अकाउंट का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। आप दोस्तों यहाँ पर ऐड अकाउंट पर करके एक ही व्हाट्सएप में 2 नंबर को चला पाएंगे, ठीक है। दोस्तों आप वीडियो को बिल्कुल लाइक करना और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। दोस्तों अब यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा अकाउंट के नाम से, ठीक है, आपको दोस्तों उस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा सिक्योरिटी नोटिफिकेशन, ठीक है। अब दोस्तों आपको यदि ये ऑफ हो रखा है दोस्तों आप इसे सबसे पहले तो ऑन कर देना, ठीक है। इसका ऑन करने का मतलब है जैसे दोस्तों कोई भी बंदा दोस्तों आपसे चैटिंग कर रहा है, दोस्तों आपकी गर्लफ्रेंड का फ़ोन किसी ने हैक कर लिया है, या दोस्तों आपका गर्लफ्रेंड का मोबाइल नंबर किसी बंदे ने अपने मोबाइल फ़ोन में डाल दिया और उस आपसे चैटिंग करने लगा, तो दोस्तों आपको पता लग जाएगा
कि आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, सिक्योरिटी नोटिफिकेशन, ठीक है, एंड टू एंड इंक्रिप्शन। अब दोस्तों आप उससे पता कर सकते हैं कि किसी बंदे का डिवाइस चेंज हुआ है, ठीक है। आप अपने गर्लफ्रेंड से डायरेक्ट कॉल लगाकर भी पता कर पाएंगे कि आपका आपने डिवाइस चेंज किया है या दोस्तों नहीं किया है, ठीक है। दोस्तों आप सामने वाले बंदे की कॉल खोल कर रख सकते हैं, आपको दोस्तों ये सेटिंग ऑन करनी है। अब दोस्तों यहाँ पर टू स्टेप वेरिफिकेशन का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। आप दोस्तों यदि आप अपनी व्हाट्सएप को सिक्योर करना चाहते हैं दोस्तों, आप इसे टर्न ऑन कर सकते हैं, ठीक है। आप दोस्तों यहाँ पर एक पिन बना लेना, और दोस्तों दोबारा से आपको यहाँ पर एक पिन बना लेनी है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर यदि आप अपनी ईमेल आईडी डालना चाहते हैं ना, आप दोस्तों यहाँ पर ईमेल आईडी डाल सकते हैं या दोस्तों आप इसे स्किप कर सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों जो आपका टू स्टेप वेरिफिकेशन है वो दोस्तों कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों जब भी आप अपनी व्हाट्सएप को ओपन करेंगे ना, तो दोस्तों आपकी व्हाट्सएप के सामने ये पिन डालनी पड़ेगी, तो दोस्तों तभी आप इस व्हाट्सएप को ओपन कर पाएंगे, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा चेंज नंबर का, ठीक है। दोस्तों यहाँ से आप अपनी व्हाट्सएप के नंबर को चेंज कर सकते हैं बिना व्हाट्सएप को डिलीट किए हुए, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर रिक्वेस्ट अकाउंट इन्फो का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको दोस्तों इस पर क्लिक करना है। दोस्तों जो आप अपने मोबाइल फ़ोन में किसी के पास वीडियो फोटो दोस्तों वो आप अपने जो भी आपने डिलीट कर दिए थे वो दोस्तों आप मंगाना चाहते हैं ना, आप दोस्तों रिक्वेस्ट रिपोर्ट पर क्लिक करके उनको मंगा सकते हैं। दोस्तों यहाँ से आप अपने व्हाट्सएप के अकाउंट को डिलीट कर सकते हैं इस तरीके से, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालकर, ठीक है। आपको दोस्तों अकाउंट सेटिंग का तो पता लग चुका है, और दोस्तों आपको यहाँ पर प्राइवेसी सेटिंग का ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है इस तरीके से। दोस्तों आज इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से समझना है, दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद ना आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब दोस्तों प्राइवेसी सेटिंग में आपको आना है, यहाँ पर दोस्तों यू कैन सी माई पर्सनल फोन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पर दोस्तों जो आप व्हाट्सएप पर ऑनलाइन आते हैं ना, अब उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों जैसे आप व्हाट्सएप पर अब ऑनलाइन आ चुके हैं, ठीक है, तो दोस्तों यदि आप एवरीवन पर रखे हैं ना, तो दोस्तों कोई भी बंदा आपके लास्ट सीन को देख लेगा कि ये बंदा कितने टाइम व्हाट्सएप पर ऑनलाइन है, किससे बात कर रहा है, ठीक है, वो दोस्तों आपकी कॉल खोल कर रख देगा। दोस्तों यदि आपको अपने लास्ट सीन को अदर बंदे हैं जिसे आप बंदों को जानते नहीं हैं, ठीक है, यदि आप अपना लास्ट सीन छुपाना चाहते हैं तो दोस्तों आप माई कॉन्टैक्ट पर क्लिक कर देना। अब दोस्तों जो भी आपके मोबाइल फ़ोन में आपके मेन नंबर हैं उन्हीं को आपका लास्ट सीन दिखाई देगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर माई कॉन्टैक्ट एक्सेप्टेशन का एक ऑप्शन है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पर जो भी आपके कॉन्टैक्ट हैं, दोस्तों यहाँ पर आप उन कॉन्टैक्ट से अपना लास्ट सीन हाइड कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। जो भी आपके मोबाइल फ़ोन में दोस्तों कॉन्टैक्ट होंगे, आपके मेन नंबर भी होंगे, आप दोस्तों उन नंबर में से भी किसी का भी कॉन्टैक्ट हाइड कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर आपको इस तरीके से करना है। अब दोस्तों यहाँ पर नो बॉडी का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, यदि दोस्तों आप नो बॉडी पर क्लिक कर देंगे ना, फिर तो दोस्तों जो आपके मोबाइल फ़ोन में कॉन्टैक्ट हैं वो भी आपका लास्ट सीन नहीं देख पाएंगे, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा सेम एस लास्ट सीन, ठीक है। अब दोस्तों इसका मैं मतलब समझा देता हूँ, जैसे दोस्तों आपका यहाँ पर एवरीवन हो रखा है, माई कॉन्टैक्ट पर हो रखा है, और दोस्तों आपने 12:12 पर आपने अपनी व्हाट्सएप को बंद किया, ठीक है। अब दोस्तों क्या होगा, यदि दोस्तों आप सेम एस लास्ट सीन पर कर देंगे ना, तो दोस्तों आपका लास्ट सीन फ्रीज होएगा और 12:12 ही दिखाता रहेगा, चाहे दोस्तों आप किसी से चैटिंग करो या ना करो, ठीक है, आपको दोस्तों इस सेटिंग का ये काम है। अब दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा प्रोफाइल फ़ोटो का, दोस्तों ये भी बिल्कुल इस तरीके से काम करता है जैसे मैंने आपको लास्ट सीन का बताया। जैसे आपको सबको अपनी प्रोफाइल दिखानी है तो एवरीवन पर कर देना, यदि दोस्तों आपके मोबाइल फ़ोन में कॉन्टैक्ट हैं आप उन पर क्लिक कर सकते हैं, यहाँ से आप दोस्तों किसी को भी अपनी प्रोफाइल नहीं दिखा सकते, और दोस्तों यहाँ से आप अपनी जिस बंदों को अपनी प्रोफाइल दिखाना चाहते हैं या नहीं दिखाना चाहते हैं यहाँ से आप सेलेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर अबाउट का, दोस्तों जो आप यहाँ पर लिखते हैं अपने अबाउट में, जैसे दोस्तों बिजी लिखते हैं या दोस्तों हे देयर आई एम यूजिंग व्हाट्सएप, दोस्तों आपको यहाँ पर जिस बंदों को वो दिखाना है ना, तो दोस्तों आप यहाँ पर उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ से आप जो अपने मोबाइल फ़ोन में स्टेटस लगाते हैं, ठीक है, जिस बंदों को आप अपना स्टेटस दिखाना चाहते हैं दोस्तों यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेना। जैसे दोस्तों इस बंदों को दोस्तों मुझे अपना स्टेटस दिखाना नहीं है, ठीक है, आपको दोस्तों यहाँ पर क्लिक करना है, और दोस्तों जिस बंदों को आपको यहाँ पर स्टेटस दिखाना है ना, आपको दोस्तों यहाँ पर क्लिक कर देना है, ठीक है। अब दोस्तों
जिस बंदों को आप स्टेटस दिखाना चाहते हैं उनको दिखेगा और जिसको नहीं दिखाना चाहते हैं उनको नहीं दिखेगा, ठीक है। यदि दोस्तों सभी को आप अपना स्टेटस दिखाना चाहते हैं तो दोस्तों माई कॉन्टैक्ट पर आप क्लिक कर देना। दोस्तों जो आपके मोबाइल फ़ोन में कॉन्टैक्ट हैं वे बंदे आपका लास्ट सीन और जो स्टेटस है वो देख पाएंगे, ठीक है। अब दोस्तों आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा रीड रिसिप्ट के नाम से। दोस्तों इसका आपको यदि मतलब नहीं पता है मैं आपको समझा देता हूँ। दोस्तों जैसे आप किसी के पास व्हाट्सएप पर मैसेज भेजते होंगे और दोस्तों आप वहां पर देखते होंगे ब्लू टिक हो जाती है, दो डबल टिक हो जाती है ब्लू टिक। दोस्तों क्या होता है जब आप यदि इसे ऑन कर देंगे ना, या दोस्तों आपके पास कोई भी मैसेज करेगा और उसके आप मैसेज भी दोस्तों देख लेंगे, यदि दोस्तों आप इसको ऑफ करके रखेंगे ना आप उसके मैसेज देख लेंगे या स्टेटस भी दोस्तों देख लेंगे, तो दोस्तों उस बंदे को पता नहीं चलेगा कि इसने मेरा स्टेटस देखा है या दोस्तों कुछ भी फोटो वीडियो आपने उसके आपको उसने सेंड की है, वो दोस्तों पता ही नहीं चलेगा, वो दोस्तों चौंक जाएगा कि इसने मेरे फोटो देखे हैं या नहीं देखे हैं, ठीक है, आप यदि इसे ऑफ रखेंगे, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर डिफ़ॉल्ट मैसेज टाइमर का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा आपको। दोस्तों इसका मतलब भी समझा देता हूँ। दोस्तों ये ऑप्शन है जैसे दोस्तों आप अपनी गर्लफ्रेंड से बात करते हैं, बॉयफ्रेंड से बात करते हैं नाइट में, दोस्तों क्या होता है आप वहाँ पर चैटिंग भी करते हैं और आप उन चैटिंग को दोस्तों डिलीट करना भूल जाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों उन्हीं के लिए व्हाट्सएप के फीचर ने ये नया अपडेट लाया है। दोस्तों यदि आप इसे 24 घंटे के लिए ऐसे कर दोगे तो दोस्तों किसी से भी आप बात करेंगे ना अब दोस्तों वो अपने आप ही डिलीट हो जाएंगे 24 घंटे के अंदर अंदर, चाहे आप डिलीट करो या ना करो, ठीक है। इस सेटिंग का आपको दोस्तों ये काम है। अब दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा ग्रुप्स का। अब दोस्तों यहाँ से ग्रुप्स के बारे में बता दूँ, दोस्तों कोई भी बंदा आपको ग्रुप में ऐड कर देता है, ठीक है। तो दोस्तों इसका क्या मतलब है, जैसे अनकनाउन कोई भी बंदा आपको ग्रुप में ऐड कर देता है, वहाँ पर आप दोस्तों परेशान हो चुके हो, दोस्तों आपके पास वीडियो आती रहती हैं, कुछ भी फोटो आते रहते हैं गंदे। दोस्तों यदि आप बचना चाहते हैं उन ग्रुप से परेशान हो चुके हैं तो दोस्तों आप उन पर यहाँ पर माई कॉन्टैक्ट पर कर देना, ठीक है। फिर दोस्तों कोई भी बंदा आपको ग्रुप में ऐड नहीं कर पाएगा, दोस्तों जो आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर आपके कॉन्टैक्ट हैं वही दोस्तों आपको ग्रुप में ऐड कर पाएंगे, ठीक है। अब दोस्तों आपको नीचे की साइड आ जाना है लाइव लोकेशन। दोस्तों यहाँ से आप अपनी लाइव लोकेशन को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं गूगल की जो परमिशन देने के बाद। अब दोस्तों यहाँ पर कॉलर्स का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। दोस्तों यदि आपका ये ऑफ है ना, दोस्तों पहले क्या होता था कोई भी बंदा आपके पास व्हाट्सएप पर वॉइस कॉल वीडियो कॉल करता रहता था, ठीक है। अब दोस्तों व्हाट्सएप में एक नया फीचर्स आ चुका है, यदि इसको आप ऑन रखेंगे दोस्तों जो आपके मोबाइल फ़ोन में कॉन्टैक्ट सेव नहीं है वो दोस्तों बंदा आपकी जो साइलेंस हो जाएगी इसकी कॉल, आपको पता ही नहीं चलेगा कि इस बंदे की कॉल आई थी, ठीक है। आपको दोस्तों इस सेटिंग का ये काम करना है। अब दोस्तों यहाँ से आप जो भी आपको कॉन्टैक्ट आपको यहाँ पर ब्लॉक करने हैं या अनब्लॉक करने हैं दोस्तों यहाँ से आप उनको मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन है फिंगरप्रिंट लॉक, ठीक है। दोस्तों यदि आप अपनी व्हाट्सएप पर फिंगरप्रिंट लॉक लगाना चाहते हैं इस तरीके से, दोस्तों आप पर यहाँ पर आफ्टर एक मिनट इमीजिएंटली दोस्तों आप क्लिक कर देना और दोस्तों आप इसे ऑफ कर देना, ठीक है। अब दोस्तों जब भी आप अपनी व्हाट्सएप पर यहाँ पर लॉक लगाए हैं ना तभी दोस्तों आपको यहाँ पर फिंगरप्रिंट लगाना पड़ेगा इस तरीके से, जिससे आपकी चैटिंग कोई भी नहीं पढ़ पाएगा। दोस्तों व्हाट्सएप के अंदर बहुत ही नए नए फीचर्स आ चुके हैं, आपको एक बार जरूर यूज करना है। अब दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा एडवांस, ठीक है। इसका मैं आपको मतलब समझाता हूँ। दोस्तों पहले क्या होता था कोई भी बंदा आपसे वीडियो कॉल करता था और ऑडियो कॉल करता था, ठीक है, वो दोस्तों आपकी लोकेशन को ट्रैक कर लेता था कि ये बंदी कहाँ की है, ठीक है। यदि दोस्तों आपकी लोकेशन का ना आपको ट्रैक नहीं करनी है, अपनी पोल खुलने से नहीं बचानी है, दोस्तों आपको इसे ऑन करना है, आपकी पोल खुलने से बच जाएगी, ठीक है। आपको दोस्तों इन सेटिंग आपको कर लेनी है। अब दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा चैट्स का या चैट्स के ऊपर अवतार। दोस्तों इसका मतलब है दोस्तों यदि आप इसे यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं, यदि दोस्तों आप अपनी प्रोफाइल पर पिक भी नहीं लगाएंगे ना दोस्तों ये अवतार आपकी प्रोफाइल पर अपने आप ही लग जाया करेगा, ठीक है। जब आपकी पिक हट जाएगी ना वहाँ से तो दोस्तों ये अवतार आपकी पिक पर इस तरीके से अपने आप ही लग जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा चैट्स का। अब दोस्तों यहाँ से आप अपने डिस्प्ले की ओर जैसे डैम होता है, ठीक है, अभी दोस्तों आपकी ये लाइट हो रही है, ठीक है, यदि आप इसको डार्क करना चाहते हैं तो दोस्तों आप इसे यहाँ पर डार्क भी कर सकते हैं और दोस्तों इसे अभी लाइट कर देता हूँ, ठीक है। दोस्तों यहाँ से आप अपनी वॉलपेपर को सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे दोस्तों ये मेरी चैटिंग का वॉलपेपर है ना, जैसे अभी मैं दिखाता हूँ दोस्तों जैसे अभी ऐसे हो रहा है, ठीक है। आपको दोस्तों क्या काम करना है, आप दोस्तों यदि इसे चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, आपको चैट्स के ऑप्शन में आना है। यहाँ पर आने के बाद आपको दोस्तों बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, आपको दोस्तों यहाँ से आप इनको
चेंज कर पाएंगे। ठीक है, वॉलपेपर में आपको आ जाना है, यहाँ से आप दोस्तों इन व्हाट्सअप को वॉलपेपर को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों आपको बैक आना है। बैक आने के बाद दोस्तों यहाँ पर इंटर इज सेंड का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, यदि आप इसे ऑफ रखेंगे, ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जब आप मैसेज करते हो ना दोस्तों, ध्यान से समझना दोस्तों, जब आप व्हाट्सएप पर यहाँ पर मैसेज करते हैं, ठीक है, हाई का, ठीक है दोस्तों, नीचे की साइड आपके पास एक तो हाई का ऑप्शन ये देखने को मिलेगा, और दोस्तों आपको नीचे की साइड भी आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। ये दोस्तों आप उस ऑप्शन को यहाँ से ऑन रखेंगे, ठीक है, चैट्स के ऑप्शन में आकर ये दोस्तों आप इसको ऑन रखेंगे इस तरीके से, वहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेगा चैट्स के। अब दोस्तों यहाँ पर मीडिया अवेलेबिलिटी का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, यदि दोस्तों आप इसको ऑन रखेंगे ना, तो दोस्तों क्या होगा, कोई भी बंदा आपको, जो आपके पास फोटो वीडियो होंगे ना, वो दोस्तों आपकी गैलरी में सेव हो जाते हैं, वो दोस्तों आपको इसे ऑफ कर देना है, फिर दोस्तों कोई भी फोटो वीडियो गैलरी में सेव नहीं होंगे। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर इंस्टेंट वीडियो मैसेज का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। अब दोस्तों मैं आपको इसका मतलब समझा देता हूँ कि इसका मतलब क्या है। दोस्तों पहले क्या होता था, दोस्तों पहले हम किसी भी बंदे के पास, ठीक है दोस्तों, वॉइस कॉल रिकॉर्ड करके भेज सकते थे। ठीक है, इस तरीके से यहाँ से वॉइस कॉल का एक ऑप्शन आता था, जैसे दोस्तों हम यहाँ से वॉइस कॉल रिकॉर्ड करके भेज सकते, जैसे ये आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। दोस्तों यदि आप इस उस वाले ऑप्शन को ऑन रखे हैं ना, तो दोस्तों आपको यहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड का भी एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, आप यहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड करके भी अपनी व्हाट्सएप में किसी भी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के पास भेज सकते हैं, यदि दोस्तों आप इस फीचर्स को यहाँ पर ऑन रखेंगे। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ से आप मीडियम फ्रंट साइज दोस्तों आपको कम दिखाई देता है, तो दोस्तों आप यहाँ से अपनी लिखने के स्टाइल को भी बदल सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर चैट बैकअप का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। चैट बैकअप का दोस्तों, यदि आप किसी बंदे के पास चैट करते हैं और आपने वो डिलीट कर दी है, वो दोस्तों आपके गूगल ड्राइव पर दोस्तों यदि आप अपनी चैट्स को सेव करना चाहते हैं, यहाँ से आप उन बैकअप को ले सकते हैं। और दोस्तों जब ये यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा ना आपका सारा बैकअप, ठीक है, अब दोस्तों ये आपके गूगल ड्राइव पर वहाँ पर जाकर दोस्तों सेव हो जाएगा, वहाँ से आप उसको वो दोस्तों डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों उसके लिए आपको अपनी ईमेल आईडी भी सिलेक्ट करनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपको कि आप बैकअप एक महीने का चाहते हैं या एक महीने या 7 दिन का चाहते हैं या डेली चाहते हैं, यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे। दोस्तों आप अपने मोबाइल के जो बैकअप है उसमें दोस्तों वीडियो को भी दोस्तों बैकअप में चाहते हैं ना, आप दोस्तों इसको ऑन कर लेना, इनक्लूड वीडियोस को। ठीक है, अब दोस्तों जो भी आपकी वहाँ पर फोटो वीडियो होंगी वो भी आपके बैकअप में आ जाएंगी। यहाँ से दोस्तों नोटिफिकेशन के ऑप्शन में आ जाना है, यहाँ से दोस्तों आपकी जो भी चैटिंग होती है यहाँ से दोस्तों आप उनको सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको किस तरह की टोन चाहिए। ठीक है, आपको दोस्तों बैक आना है, स्टोरेज एंड डाटा में आपको आ जाना है। ठीक है दोस्तों, कोई भी बंदा आपको ग्रुप में या कोई भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड दोस्तों आपके पास जो फोटो भेजता है वीडियो, वो गैलरी में सेव हो जाती है। दोस्तों यहाँ से आप उनको सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको फोटो चाहिए आपको गैलरी में या वीडियोज भी चाहिए, दोस्तों उनको आप यहाँ से इस तरीके से सेलेक्ट करना है। दोस्तों यदि आपको अपनी गैलरी में सभी चीज़ को डाउनलोड करना है, ठीक है, इस तरीके से दोस्तों आप व्हाट्सअप को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी दोस्तों वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। ठीक है दोस्तों, मैं इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए इस चैनल पर लेकर आता रहता हूँ। चलिए, आपका दिन शुभ हो।